मैं समझता हूँ बलूचिस्तान को एक रिकग्निशन मिल रही है और एक क्लियर मैसेज जा रहा है पूरे दुनिया में कि बलूचिस्तान बिल्कुल सेफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन इधर आया हुआ है और लास्ट ईयर भी हमारे मुख्तलिफ मुल्कों से प्लेयर्स आए थे, चार मुल्कों से। इस दफ़ा हमारा पास जो है वर्ल्ड चैम्पियन आए हुए हैं, जिसमें गवाद जो हैं इस वक्त इजिप्ट से दो प्लेयर्स आए हुए हैं, एक हमारा कोलंबिया से आया हुआ है और एक ब्रिटिश प्लेयर है। तो ये मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लिए खुशकिस्मती है कि जहाँ PSL जो है 2002 के बाद नहीं हुआ है और आज बलूचिस्तान में हम 2018 में भी और 2019 में भी BISL हमने करवा लिया। और अफसोस इस बात का होता है कि जहाँ नेशनल गेम्स आपके यहाँ से चले जाते हैं सिक्योरिटी के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वहाँ हम जो है एक इंटरनेशनल इवेंट करवा रहे हैं। इसमें सबसे जो एक चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म हमारे यूथ को मिल रहा है, जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स और स्पेशली बलूचिस्तान के जो हमारे यूथ है कि उनको चांस नहीं मिलते कि इतने हाई लेवल के प्लेयर्स के साथ खेलें। लास्ट टाइम भी क्वेटा से जो हमारे लड़के जीते हैं वो उनको अमेरिका में स्पॉन्सरशिप मिल गई क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलें, मालिक तो जो थे, और 100% स्कॉलरशिप पे हैं, उनको घर भी वहाँ दिया गया है और एजुकेशन भी फ्री है। तो मैं मांगता हूँ कि हमारे बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के सब लड़कों के लिए, यूथ के लिए, कि वो जाएं और अच्छा एजुकेट होके और फिर आएं अपने कौम का खिदमत करें। बिल्कुल जी, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ब्लेंड है, इसके पीछे बहुत मेहनत हुई है। ये अमन अमान ऐसे नहीं आए, हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनकी इसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आर्मी की स्पेशली अपने DIGFC साहब और IGFC साहब ने यहाँ काफ़ी अमन जो FC की वजह से हुई है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की वजह से हुई है। और ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि हमारे लीग के साथ के आर्मी और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे हैं और हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आप देख भी सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बलूचिस्तान अच्छे एक रास्ते पे और गामजन हो रहा है, और जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स भी CPAC के और दूसरे यहाँ आ रहे हैं बलूचिस्तान में, तो मैं समझता हूँ एक ये बलूचिस्तान का जो यूथ है और डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। It's great to be here. Of course, I've been to Karachi and Islamabad before, but it's my first time to Quetta. So it's really enjoying it here. It's a great pleasure for me to be participating in the league. Hospitality, of course, is just amazing. Thanks to Prince Omar for organizing this event. Also, thanks to the CM of Quetta and Jahan Zib Masoud for bringing us here. We've been through the same, exactly the same thing in Egypt. I'm from Egypt, so I've been passing the same phase exactly. So it's different. What people see in news is different when they come here. So same like in Egypt, what they see in news is different than what they see. So as I said, I've been here many of times now. And every time I'm just enjoying it and enjoy being here. And now